हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक क्रीम के बारे में, जिसमें दोस्तों सारे ही इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक यूज़ किए गए हैं, जिससे कि दोस्तों आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो ये है एक आयुर्वेदिक क्रीम है और इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक है, जैसे दोस्तों गुलाब जल, चंदन, केसर, हल्दी और इसमें तिल का तेल को यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इसमें बहुत सारे और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को भी यूज़ किया गया है, जिनके कारण दोस्तों हमारे फेस पर बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। जैसा कि दोस्तों केमिकली क्रीम्स के हमारे फेस पर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, बट दोस्तों ये पूरी तरीके से एक आयुर्वेदिक क्रीम है, इसके कारण हमारे फेस पर इसके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों बात की जाए कि आपको ये क्रीम कैसे यूज़ करनी है। सो फ्रेंड्स, ईजिली अपने फेस को वॉश कीजिए। अगर दोस्तों आप कोई फेयर एंड लवली का ही फेस वॉश यूज़ करते हो तो आपको अपने फेस पर जल्दी ही रिजल्ट देखने को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अगर पहले फेयर एंड लवली को क्रीम को यूज़ करते थे, उसी प्रकार आप इस क्रीम को यूज़ करना। अगर आप इसका नाइट में यूज़ करोगे तो भी नाइट में यूज़ कर सकते हो, अगर आप इसका दिन में यूज़ करना चाहते हो तो दिन में भी इसका यूज़ कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। सो फ्रेंड्स, ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन तीनों पर भी हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ये इसके हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये किस लिए यूज़ की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे फेस की टोन को इवन करने का काम करती है। अगर दोस्तों आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करती है और जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको ईजिली कवर कर लेती है, जिसके कारण दोस्तों हमारे फेस पर इंस्टेंट फेयरनेस का दिखाई देती है। सो इस प्रकार दोस्तों ये वर्क करती है और ये हमारे फेस की डलनेस को दूर करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर दोस्तों आप इसका रेगुलर बेस पर यूज़ करते रहोगे तो आपके फेस पर धीरे धीरे हल्का हल्का निखार आता जाएगा और ये इस प्रकार लगभग 7 दिनों में ही आपके फेस को फेयर बनाने में हेल्प करेगी। अगर दोस्तों आप इसका लगभग महीने भर तक रेगुलर बेस पर यूज़ करोगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी स्किन थोड़ी सी फेयर वाली दिखेगी। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक क्रीम्स के प्राइस की। सो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस है 125 रुपीज़। आपको दोस्तों अगर ये ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप इसको रिटेलर से परचेस करना चाहते हो तो आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पर आसानी से देखने को मिल जाएगी और आप इसे परचेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसका आपको फ़ायदा ही होगा। सो ओवरऑल दोस्तों, ये रहा इस क्रीम के बारे में मेरा अपना एक छोटा सा ओपिनियन। आपको फ्रेंड्स ये ओपिनियन कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप अगर किसी अन्य प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर मेंशन कर दीजिएगा, हम आपके प्रोडक्ट का ज़रूर रिव्यू करेंगे। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।